इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे हाउ यू कैन टर्न योरसेल्फ इनटू एन ओल्ड पर्सन। अब ये टेक्निक काफी सिंपल है एंड आई हैव डन इट बिफोर इन वन ऑफ ध्रुव राठी शॉर्ट्स एज वेल। तो बेसिकली वी विल बी यूजिंग दिस फ्री टूल कॉल्ड ईवी सिंथ, जिसमें हम सबसे पहले अपनी वीडियो को डालेंगे और साथ में ऐड करेंगे उसी वीडियो का एक मैनिपुलेटेड फ्रेम जो कि एक रेफरेंस की तरह काम करेगा, और ये टूल उस एक रेफरेंस फ्रेम को देखकर हमारी वीडियो के बाकी फ्रेम्स को भी मैनिपुलेट कर देगा। लेट मी शो यू द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। लेट्स फर्स्ट ओपन आफ्टर इफेक्ट्स। यहाँ मैंने अपनी फुटेज इंपोर्ट करी है और अपनी वीडियो के इस पॉइंट पे आई वॉन्ट कि मेरा फेस चेंज होना चालू हो जाए, तो वो करने के लिए हम इस पूरे पार्ट को सबसे पहले रेंडर करेंगे। यहाँ मैं अपने कीबोर्ड पे बी प्रेस करके इन पॉइंट ऐड करूंगा और यहाँ पे अपना आउट पॉइंट बाय प्रेसिंग एन, और अब हम इस पार्ट को रेंडर करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एम। हम यहाँ इसे पीएनजी सीक्वेंस में रेंडर करेंगे। लेट्स क्लिक ओके। आई क्रिएट अ फोल्डर हेयर एंड विल रीनेम इट गेटिंग ओल्ड एंड विल सेव इट इनसाइड दिस फोल्डर। और यहाँ हमारे सिलेक्टेड टाइम के हर एक फ्रेम को पीएनजी के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर देगा। यहाँ हमारा पीएनजी सीक्वेंस एक्सपोर्ट हो गया, इस पर थोड़ी देर में वापस आएंगे। वेलकम बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स। और अब हम इसी ड्यूरेशन में से एक क्लीन फ्रेम चूज करेंगे जिसे मैनिपुलेट करके एक रेफरेंस फ्रेम की तरह यूज करेंगे। वी कैन लिटरली चूज एनी फ्रेम बट आई विल चूज दिस वन बिकॉज इस फ्रेम में मेरा फेस एकदम सामने कैमरा की तरफ देख रहा है। अब इस फ्रेम का नंबर जानने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूंगा और यहाँ इस फ्रेम का नंबर है 134। लेट्स फाइंड इट इन आवर पीएनजी फोल्डर। Here is our frame. I'll copy this frame from here and will place it outside this folder. और अब इस फ्रेम को मैनिपुलेट करने के लिए I'll use this mobile application called FaceApp. मैं इसको इस एप्लीकेशन के अंदर लेके आऊंगा। इस ऐप में काफी सारे प्रो फीचर्स भी हैं, बट जो हमें चाहिए वो एकदम फ्री है। मैं यहाँ नीचे स्क्रोल करूंगा एंड I'll go to this age option. और लास्ट में I'll choose this old version. It's looking pretty good. I'll say this from here and that's it. बट अभी एक दिक्कत है, हमारे ओरिजिनल फ्रेम की डोमेंशन यहाँ पे 4K की है, बट यहाँ एक्सपोर्ट होने के बाद ये फ्रेम काफी छोटा हो गया। तो इसको वापस से 4K रेजोल्यूशन पे लाने के लिए आई विल यूज हिटपॉ ऑनलाइन फोटो एनहांसर, हु इज ऑल्सो द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। इसे यूज करना काफी सिंपल है। हम सबसे पहले यहाँ एनहांस नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपनी मैनिपुलेटेड इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और यहाँ हमारी इमेज को AI की मदद से 8 गुना तक बड़ा कर सकता है। लेट्स चेक आउट द डिफरेंस हियर। I'll zoom in on it. यहाँ ये साइड 720p पे है और इसको हम यहाँ से 4K से भी ऊपर कर सकते हैं। And preview. Check out the quality here. Look at the hairs. यहाँ इसने हमारे hairs को भी sharp कर दिया। अब यहाँ थोड़े artifacts आ रहे हैं, but don't worry. हम इस part को Photoshop में mask out कर सकते हैं। इसके अलावा इस टूल में वी कैन डू अ लॉट मोर देन दिस, जैसे कि हम अपनी पुरानी फोटोज को यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं, अपनी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को कलर कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई देम आउट, बट उससे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आई विल सिलेक्ट द पीएनजी फॉर्मेट और इसको डाउनलोड करने के लिए आई विल क्लिक ओवर हियर एंड विल क्लिक सेव। एंड नाउ लेट्स टेक दिस इमेज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड लेट्स रिकवर इट। आई विल सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप दिस पिक्चर एंड जस्ट लुक एट द रिजल्ट्स। इसने हमारी इमेज की सारी नॉइज को हटा दिया। एंड नाउ लेट्स टेक दिस कलराइज्ड मॉडल। लेट्स क्लिक हियर and the results are just mind-blowing. I'll zoom in on it. Check out this hair detail. Wow. और हम इसे obviously 800% तक बड़ा कर सकते हैं। I'll select it and preview it. And boom. The quality of this image is now truly amazing. We can also remove these noise by checking this restore old photo option. Let's click here. And boom. I mean this is looking really good now. अब यहाँ अपने फेस मॉडल के रिजल्ट को चूज भी कर सकते हैं, तो अगर हमें शार्प रिजल्ट चाहिए तो आई चेक दिस ऑप्शन, बट लेट्स मेक इट सॉफ्ट क्योंकि इस इमेज में सॉफ्ट ही चलेगा। इसके अलावा वी कैन चूज बिटवीन द क्वालिटी एंड फास्ट ऑप्शन। फास्ट ऑप्शन बड़े रेजोल्यूशन की पिक्चर्स के लिए बेटर रहता है, सो आई कीप इट ऑन क्वालिटी। और इस टूल से हम अपनी इमेज से नॉइज हटा सकते हैं, बट यहाँ इसने ऑलरेडी काफी नॉइज क्लियर कर दिया। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू एक्सप्लोर दीज टूल्स बाय यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स कम बैक टू द वीडियो। तो अब हमारा रेफरेंस फ्रेम यार रेडी हो गया, बट मैं सबसे पहले अपने इस फ्रेम को फोटोशॉप में लेके जाऊंगा और उसके ऊपर ऐड करूंगा अपना रेफरेंस फ्रेम। और अब क्योंकि हमें इसका सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, तो यहाँ मैं ऑल्ट प्रेस करके अपने मास्क वाले टूल पे क्लिक करूंगा और यहाँ मैं अपने ब्रश टूल से अपना कलर वाइट करके यहाँ इसे ऐड कर सकता हूँ। इससे हमारा वाटरमार्क भी छुप गया और हमारी फाइल 4K रेजोल्यूशन में भी आ गई है, और यहाँ हमें जितना एरिया चाहिए था उतना एरिया हमने मास्क आउट कर दिया। एंड नाउ आई विल सेव दिस रेफरेंस फ्रेम इन माय पीएनजी फॉर्मेट, और मैं इसको यहाँ अपने ओरिजिनल फ्रेम के साथ ही रिप्लेस कर दूंगा। लेट्स चेक इट आउट, इट्स लुकिंग गुड। एंड नाउ लेट्स ओपन ईवी सिंथ। आई विल प्लेस इट ओवर हियर। और अब हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे हमारी वीडियो का पीएनजी सीक्वेंस। लेट्स फर्स्ट क्लिक ऑन दिस बटन और यहाँ हम अपनी वीडियो के पीएनजी सीक्वेंस को ऐड करेंगे। मैं इसको ऐड करने के लिए यहाँ सिंपली अपने फर्स्ट फ्रेम पे डबल क्लिक करूंगा एंड दैट्स इट। अब हम ऐड करेंगे अपना रेफरेंस फ्रेम बाय क्लिकिंग ओवर हियर एंड चूजिंग आवर रेफरेंस फ्रेम। मेक श्योर कि इस फाइल का नाम हमारे ओरिजिनल सीक्वेंस के नाम से ही हो,
ताकि यहाँ इसे अपने आप रिकोगनाइज कर ले. Now I'll go to advanced settings and we'll change this deep flicker to 1.5 for smooth results. और यहाँ से हम अपना वो फोल्डर चूज करेंगे जिसमें हम अपनी फाइनल फाइल को एक्सप्लोर करने वाले हैं. I'll create a new folder here and we'll rename it to old done. We'll select it and that's it. Now let's click on synth. और अभी अपना मैजिक दिखाएगा और यहाँ इस फोल्डर में ये नए फ्रेम्स क्रिएट करेगा विद आर ओल्ड फेस ऑन इट. यहाँ हमारे सारे फ्रेम्स रेडी हो गए हैं. नाउ लेट्स इंपोर्ट दीज फ्रेम्स एज अ सीक्वेंस इन आफ्टर इफेक्ट्स. वो करने के लिए मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा एंड आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट इमेज हियर एंड आई विल मेक श्योर कि यहाँ पीएनजी सीक्वेंस वाला कॉलम चेक्ड है. लेट्स क्लिक इंपोर्ट. अब मेरी टाइमलाइन 30 fps पे थी, बट अगर आपकी फुटेज किसी और फ्रेम रेट पे है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इंटरप्रेट फुटेज में जाके अपने फ्रेम रेट को चेंज कर सकते हो. और अब इसको हम अपनी ओरिजिनल वीडियो के ऊपर रख सकते हैं एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स. अब इस फ्रेम पे दिक्कत आ रही है क्योंकि ये हैंड हमारे रेफरेंस फ्रेम में नहीं था, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली इसको मास्क कर सकते हैं. आई विल चूज एलिप्स टूल और यहाँ मैं रफली अपने हेड के अराउंड एक मास्क क्रिएट कर दूंगा एंड दैट्स इट. इसमें थोड़ा फेदर ऐड कर सकते हैं और अब इसको एनिमेट करने के लिए हम इसकी सिंपली ओपेसिटी में की फ्रेम ऐड कर सकते हैं एंड हेयर विल मेक इट 0 एंड दैट्स इट इनटू एन ओल्ड पर्सन. अब इसको रिफाइन करने के लिए मैं अपने मुंह को मास्क आउट कर सकता हूँ. So I'll do that and we'll fast forward this process. And now it's looking super realistic. Let's preview it on full screen. In this video, we'll explore karenge how you can turn yourself into an old person. That's it for today guys. I hope इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा. हिटपो के फोटो और वीडियो एनहांसर टूल्स को एक्सप्लोर करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, सो डू चेक देम आउट. और ऐसे वीडियोस देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब. And I'll see you in the next one.